लॉकडाउन खोलो इंडिया में बुलंद हुई जनता की आवाज, लॉकडाउन हटाओ कोरोना को भगाओ। चार महीने के लॉकडाउन से मुंबई में सब कुछ ठप है, न काम धंधा चालू है, न पूरी तरह रोजगार चल रहे हैं, न रोजी रोटी बची है, न पैसे हैं। घरों में कैद रहे लोग अब लॉकडाउन के खिलाफत में आ गए हैं। आर्थिक तंगी की वजह से लोग कोरोना से खुद लड़ने को तैयार हैं। अब कोरोना की नहीं बल्कि फिर लॉकडाउन बढ़ने की चिंता और भय सताने लगा है। सवाल है कि आखिर यह सब कब तक चलेगा? घरों में कैद रहकर क्या जिंदगी पटरी पर लौट पाएगी? आखिर जब पैसे नहीं रहेंगे तब चूल्हे कैसे जलेंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? टीवी वन इंडिया ने इसी मुद्दे पर अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट की राय जानी। बहुमत यही है कि अब बहुत हो गया कोरोना, सरकार अब लॉकडाउन खोल दो, फिर पहले जैसे जीने दो। सवाल है, मैं देखिए आज इसी मुद्दे पर खास रिपोर्ट। प्रथम यह कि लॉकडाउन खोलना ही चाहिए और लॉकडाउन खोलना ही लॉकडाउन खोला वाच लगे। एप्रिल पासून एप्रिल मे जून आणि आता हा जुलै 2018-20 कोणाकडे पैसे राहिलेत? कोणाकडे सुद्धा पैसे, कोणाच्या खिशात खर्चाला पैसे राहिले नाही आहेत। ज्याच्या खिशात खर्चाला पैसे नाही आहेत, अन्नधान्यासाठी पैसे नाही आहेत, त्याला ज्या लागणाऱ्या रोजच्या दैनंदिन वस्तू खरेदी करण्यासाठी त्याच्याकडे पैसे नाही आहेत, तो उद्या रस्त्यावर येणार, उद्या रस्त्यावर येणार आणि कायदा सुव्यवस्था बिघडणार। आणि ज्यावेळेला कायदा सुव्यवस्था बिघडेल त्यावेळेला आम्हीच आमच्या हाताने व्हायरसने किती मनुष्यहानी होईल, किती वित्तहानी होईल ते सोडून द्या हो, ते नैसर्गिक आहे, परंतु आम्ही स्वतः आमच्याच हाताने अनैसर्गिकरित्या वित्तहानी आणि मनुष्यहानी गमवणार आणि करणार आम्ही वित्तहानी। परंतु व्हायरस एक नैसर्गिक आहे, उसके ऊपर अभी शंका आ रही है, किंतु आ रहे, लेकिन वो नैसर्गिक से कितने वित्तहानी, कितना वित्तहानी और कितना मनुष्यहानी होने वाली है वो तो नैसर्गिक है। लेकिन जब लोग के पास खरीदी के लिए उसके जो कुछ चीज लगते है जरूरी चीज, उसके लिए पैसा नहीं है, गवर्नमेंट बोले कि हम राशन दे देंगे, हम फोकट में चावल दे देंगे, ये दो तीन चीज में पेट तो भरेगा, लेकिन वो पूरा जरूरी जो जरूरत है, जो जरूरत है वो जरूरत पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर हम सभी साबुन कौन देगा उसके लिए? क्या राशन पे मिलेगा साबुन? कोलगेट राशन पे मिलेगा? क्या क्या राशन पे मिलेगा? सवेरे से शाम तक जो चीज लगता है जरूरत चीज है वो राशन पे मिलेगी? नहीं मिलेगी, उसके लिए उसको खरीदना ही होगा और खरीदने के पैसा नहीं है आज, और पैसा नहीं तो लोग सर्व लोग रस्ते रहते बघा, सर्व लोक आणि ते रोजगार मागतील तुम्हाला आणि त्यात सांगतील ते गव्हर्नमेंट स्पष्टपणे सांगतील की तुमचे काही आम्हाला मेडिकल नको, तुमचे औषध नको, तुमचे हॉस्पिटल नको, तुमचे काही नको, आम्हाला आता रोजगार द्या। आम्ही असेच मरणार आहोत, आम्ही घरी मरण्यापेक्षा आम्ही रस्त्यावर मरू, आम्ही काम करत करत मरू। ही अवस्था, ही वेल, ही जो समय अभी आ गया है कि घर में रह रहे के मरने से हम काम करके मरेंगे, और वही उससे इसीलिए लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म कर दो, ये भय खत्म कर दो। अभी आज व्यापारी सब इंडिया के व्यापारी रस्ते पे आ रहे, आंदोलन की तैयारी, आंदोलन चालू हो गया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आंदोलन करनी पड़ रहा है। व्यापारी सब वो रस्ते पे आ गए अभी, लेकिन वो सोशल डिस्टेंस में ऑनलाइन रस्ते पे आ गए है, वो लेकिन रस्ते पे है आ गए है, वो उनको आप रुका सकते हैं, व्यापार थांबणार आम्ही हो, परंतु सामान्य नागरिकाला तुम्ही आम्ही थांबू शकत नाही। जो गावी जो गेलेला आहे तो उद्या शहरात येणारच आहे, तो या देशामध्ये जेवढी शहरे आहेत त्या सर्व शहरामध्ये तो गावा तो गेलेला परत गेलेला, जो गावा ठिकाणी गेलेला, जो गाव गया आहे वो ले, तो मजदूर, वो श्रमिक, वो दोबारा सिटी में आने वाले, गाँव में क्या करेगा वो? जिसके पास खेती बाड़ी क्या करेगा उधर, उसको सिटी में आएगा, और जो आएगा वही रास्ते पे आएगा। देखो इसलिए लॉकडाउन जल्द से जल्द, जो कुछ हमें उसका जितना हमें एक्सपीरियंस मिला है ये लॉकडाउन की टाइम में, समय में,
लॉकडाऊनच्या वेळेला आम्हाला जेवढं काय आम्हाला वेळ भेटलेला आहे, अनुभव भेटलेला आहे, त्यातला बऱ्याच गोष्टी आपल्याला आता लॉकडाऊन खोला अन्यथा वित्त हानी आणि मनुष्य हानी ही निश्चित आहे. कायदा सुव्यवस्था बिघडणार आणि लोकांचा आता हाल पाहू नका. जे काही गव्हर्नमेंटला वाटते की लॉकडाऊन केल्याने संख्या कमी होईल, जर हाच जर डोक्याने संख्या कमी होईल तर मला याच्यामध्ये माझं दुमत नाही आहे. शेवटी आम्ही काही शासनाच्या विरोधात नाही, सरकारच्या विरोध में हम नहीं जाने वाले, लेकिन जो सही और गलत है वो सही और गलत है उसके बारे में हमारा ओपिनियन रखना, हमारा मत रखना, हमारा विचार रखना हमारा काम है और हमने वो रख लिया है. इसलिए मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लॉकडाउन ओपन कीजिए और लोगों को सामान्य लाइफ जो जैसा ये बीमारी जो कुछ है वो तो हम हर सालों साल चालू है. इसके अंदर जो सिम्टम्स है जो सर्दी है, खांसी है, खोखला है, सांस लेना है, ये हमारे लिए नई बात नहीं है. ये तो सालों साल चालू है और लॉकडाउन ओपन कीजिए ये हमारा रिक्वेस्ट. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें.